हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू योर ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो लेकर के आया हूं। जो लोग कोरल ड्रॉ को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोफेशनल काम के लिए, उनके लिए तो बिल्कुल मान चलो बिल्कुल एक बहुत मस्त वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास इशू के बारे में जो कि हम फेस करते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जो लोग कोरल ड्रॉ को डेली बेसिस में इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं उसके ऊपर, तो उनको एक प्रॉब्लम बहुत ही अक्सर फेस करनी पड़ती है, और वो आती है कि नए वर्ज़न की फ़ाइल को पुराने वर्ज़न में ओपन करना। और ये कई बार मेरे सामने भी आई है, और आई होप आप लोगों के सामने भी कई बार आती होगी कि अगर आपके पास किसी नए वर्ज़न की फ़ाइल आ जाती है और आपके पास पुराना वर्ज़न इंस्टॉल है आपके कोरल ड्रॉ के ऊपर, या लोअर वर्ज़न इंस्टॉल है आपके कोरल ड्रॉ आपके सिस्टम के ऊपर, तो वो फाइल आप ओपन नहीं कर पाते हो। जो लोग नए हैं और ज़्यादा नहीं जानते हैं कोरल ड्रॉ के बारे में, उनको बता दूं कि आप नए वर्ज़न की फ़ाइल को पुराने पे ओपन नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप 25 वर्ज़न इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस वर्ज़न की फ़ाइल को 24, 23 पर नहीं खोल सकते हो, या फिर अगर आपके पास 20 वर्ज़न की फ़ाइल है तो उसको आप 19 पे ओपन नहीं कर सकते, जबकि आप उसको 21 या 22 या जितने भी हायर वर्ज़न हैं उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, वो इजीली ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास लोअर वर्ज़न है और हमारे पास कोई फ़ाइल आ जाती है हायर वर्ज़न की, तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए, या अगर हमारा कोई फ्रेंड वगैरह है तो उससे हम लोग मदद मांगते हैं कि भाई अगर तेरे पास पड़ा हो तो उसको कन्वर्ट कर दो, या फिर जिसने हमको फ़ाइल भेजी होती है हम उसी से कहते हैं कि हमको इस फाइल को इस वर्ज़न में कन्वर्ट करके दो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन काफ़ी समय से ढूंढ रहा था बट मुझे नहीं मिल रहा था। आज मुझे इसका सॉल्यूशन मिला है, तो सोचा मैंने कि आपके साथ भी इसको शेयर किया जाता है। तो चलिए समझते हैं इसके सॉल्यूशन को और आ जाते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर। मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूँ और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपन डिटेल पे अगर जाऊँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये फ़ाइल हमारी किस सॉफ्टवेयर पे बनी हुई है, मतलब ये हमारे 25 वर्ज़न पर बनी हुई है, और प्रेजेंट टाइम में जो ये फ़ाइल सेव है वो 21 वर्ज़न के ऊपर सेव है। मतलब अगर इस फाइल को हम 21 वर्ज़न के ऊपर खोलें या उससे नीचे के वर्ज़न पे खोलें तो ये फ़ाइल हमारी ओपन नहीं होगी। 21 पे तो ओपन हो जाएगी बट 21 से नीचे ओपन नहीं होगी, 21 या उसके ऊपर तो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये फाइल हमको सेव करनी हो X6 में या X7 में तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक वेबसाइट फाइंड किया हुआ है, ठीक है, आपको इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है, आपके वीडियो की स्क्रीन के ऊपर। और इसको मैं जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर जा करके आप अपनी फाइल को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जो वेबसाइट है वो इंग्लिश में नहीं है, ये किसी और लैंग्वेज में है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें लैंग्वेज से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे अपने काम से मतलब है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में ये वेबसाइट हमारे लिए बिल्कुल फ्री है, अब आगे पेड हो जाती है उसका मुझे नहीं पता, बट अभी तो बिल्कुल ये फ्री है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो बटन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहले में जो आपसे पूछ रहा है कि आपको फ़ाइल कौन सी कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो भी फ़ाइल हमें कन्वर्ट करनी है हम उसको चूज़ करेंगे। मान लो हमको जो फ़ाइल कन्वर्ट करनी है वो ये फ़ाइल कन्वर्ट करनी है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वर्ज़न 25, और मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हमसे पूछता है कि आपको इस फाइल को किस वर्ज़न में कन्वर्ट करना है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए आपके पास एक लिस्ट आती है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है CDR X6, CDR X7, X8, CDR 2017, और उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर के आपको वर्ज़न दिए, जैसे कि AI दिया है, PDF दिया है, तो वो सब भी दिया है, बट अभी हम यहाँ पे सिर्फ कोरल ड्रॉ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो इन चारों में से किसी भी एक वर्ज़न को चूज़ करके अपनी फ़ाइल को उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से 2017 ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे कन्वर्टर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मान चलो 15 से 20 सेकंड का समय लगता है इस पूरे प्रोसेस को होने में, और उसके बाद में हमको फाइल मिल जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे फाइल हमारी कन्वर्ट हो रही है, और बस अभी कुछ ही सेकंड के बाद में ये फाइल हमारी कन्वर्ट होकर के हमको एक फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाएगा, और उसके बाद में इस फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लोअर वर्जन के ऊपर हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लिंक बन करके आ गया है। अब ये जो ऊपर रेड कलर का बटन बन करके आ रहा है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए आपकी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो करके आ जाएगी। और अब अगर हम इस फाइल के ऊपर जाएं, मैं अगर यहाँ पे ओपन करूँ तो देखिए ये फाइल आपको यहाँ पर ओपन होकर के मिल जाएगी। और अगर मैं इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं डेस्कटॉप पर इसको ले आता हूँ, ठीक है,
मैं इसको सब कुछ मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है। अब अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल पे जाऊँ और हम इसको यहाँ पे डिटेल में चेक करें तो देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फाइल है वो 25 वर्ज़न के ऊपर बनाई हुई है, बट अब ये सेव है हमारी 19 वर्ज़न के ऊपर। ठीक है, तो अब इस फाइल को हम बहुत ही आसानी से अपने 19 वर्ज़न के ऊपर ओपन कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे जो है 16 वर्ज़न लिया होता तो फिर आप उसको X6 पर भी ओपन कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इस ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से अपनी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं CDR फाइल को। सो आई होप ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने होगी और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल चुका होगा और काफ़ी मेहनत लगी इस चीज़ को ढूंढने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप डिज़ाइनिंग।